हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं राजकुमारी बासी आप लोगों के लिए एक बहुत अच्छा न्यूज़ लाई हूँ, और वो ये है कि मेरा फाइनली एनसीसी में सिलेक्शन हो गया। यस, आपने सही सुना, मैंने वो सारे स्टेजेस को क्लियर कर दिया है, चाहे वो रिटेन हो, इंटरव्यू हो, और ये लास्ट प्रोसेस जो इनरोलमेंट का है, जिसके लिए हम आज वासना कॉलेज आए हैं। एक्चुअली में जो हमारे इनरोलमेंट डॉक्यूमेंट्स हैं उसमें विटनेस के लिए एक ANO का सिग्नेचर चाहिए। ANO मतलब एसोसिएटेड एनसीसी ऑफिसर, जो कि हमें गॉसनर कॉलेज जाके मिले। तो मैंने सोचा क्यों ना आपको गॉसनर कॉलेज के कुछ व्यूज़ दिखाऊं, जो कि काफ़ी सुंदर है। पर्सनली मुझे यहाँ पे आके बहुत खुशी हुई, ये मेरा फर्स्ट टाइम था एक्चुअली यहाँ पे। अब क्योंकि डॉक्यूमेंट साइन हो चुका है, तो चलिए मैं आप लोग को यूनिट पे ले चलती हूँ। तो यूनिट पे जाने के लिए हम लोग जिस रास्ते से जा रहे हैं, वहाँ पे काफ़ी सारे आपको सिक्योरिटी मिलेगी, क्योंकि ये वही जगह है जहाँ पे कुछ दिन पहले कर्फ्यू लगा था। मुझे याद नहीं मैंने पहले बताया है कि नहीं, लेकिन मुझे पर्सनली सोल्जर्स काफ़ी पसंद है। उन लोगों के प्रति मेरे अंदर बहुत रिस्पेक्ट है, और जब भी मैं उनको देखती हूँ मेरा मन खिल उठता है। अब मैं क्या ही बताऊँ, सो मच लव एंड रिस्पेक्ट फॉर इंडियन सोल्जर्स, टू बी ऑनेस्ट। वैसे मैं बता दूँ, ये मेरा आज तक का सबसे बिजी डे था, क्योंकि मैं सबसे पहले हॉस्पिटल गई अपने मेडिकल सर्टिफिकेट लेने, उसके बाद साइन के लिए गॉसनर कॉलेज, और उसके बाद फाइनली एनसीसी यूनिट, वहाँ पे सारे डॉक्यूमेंट सबमिट जो करना है। मैं आपको यूनिट के सारे फोटोज़ नहीं दिखा सकती, बिकॉज यहाँ पे ये अलाउ नहीं है। बस मैं और आकांक्षा ही जानते हैं कि आज हमने कितना स्ट्रगल किया है डॉक्यूमेंट जमा करने में। हाँ, एक और बात, मेरी एक अगली वीडियो आने वाली है, जो कि आपको एनसीसी रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन देंगी। तब तक के लिए बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।